وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشارت شهيد حنیف شہید کے یوم شہادت کے حوالہ سے منعقدہ تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں سب سے پہلے حافظ ثاقب حسین صاحب متعلم دارالعلوم محمدیہ حیدریہ بن بروٹیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك صدق الله العظيم۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں جناب یاسر عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں اور تم میں طاقت سرکار نظر رکھتے ہیں سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شب کو بھی جہاں لاکھوں
खुर्शीद निकलते हैं शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं आओ 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 के दरे शाहे आओ के दरे शाहे लो लाख पे चलते हैं शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं और एक मैं ही नहीं खाता खैरात मदीने की और एक मैं ही नहीं खाता एक मैं ही नहीं खाता खैरात मदीने की एक मैं ही नहीं खाता खैरात मदीने की सब शाह हो गदा उनकी सब शाह हो गदा उनकी खैरात पे पलते हैं शब को भी जहां लाखों खुर्शीद निकलते हैं और एक ना आज किस तकरीब कि पहले मुकर्रर को दावत देने से कबल मैं बशारत शहीद और अनीफ शहीद के 48वें योम शहादत की इस मुनक्दा तकरीब के हवाले से आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के सदर चौधरी असनैन अदरीस से गुजारिश करूंगा कि आज की तकरीब की सदारत के लिए वो अपनी मखसूस निशत पर तशरीफ लाएं चौधरी असनैन अदरीस। इसके बाद मैं मुमताज तालीमी शख्सियत आजी चौधरी तासिब हुसैन से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी जनाब चौधरी अमजद इकबाल साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ अपनी जानब से प्रेस क्लब के अहदेदारान व अराकीन की जानब से मौजीन इलाका की जानब से कि वो अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी और यहाँ तशरीफ लाए। तो सबसे पहले मैं बानी सदर आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी जनाब चौधरी सिकंदर कालस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी सबसे पहले मैं सिकंदर मेहमान खसूसी सदर तकरीब और मेहमान ग्रामी को इस प्रोग्राम में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि खिताए प्लाक चकसवारी ज़िला मीरपुर ये शख्सियात जो शहादत के रुतबे पर फायज हुए ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुझे और आप सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए। मैं बाकी वक्त मेहमानों के लिए करता हूँ। अस्सलाम। हम सलीबों पे चढ़े जिंदा गड़े फिर भी बड़े हम सलीबों पे चढ़े
जिंदा गड़े फिर भी बड़े वादिये मर्ग भी मंजिल गए उम्मीद बने। आज कटते रहे मछले ताबिंदा रही, आज कटते रहे मछले ताबिंदा रही, रसम जो तुझसे चली बाय से तकमील बनी। शब के सफाक खुदाओं को खबर हो कि न हो, शब के सफाक खुदाओं को खबर हो कि न हो, किरण जो कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। तो इसके बाद मैं यूट्यूबर दानिश अरशद ऑफिशियल जनाब दानिश अरशद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुदल्लल ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जो गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। न होता गर जुदा तन से, तो जानू बेधरा होता। मोहतरम मेहमानाने ग्रामी और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम शुराका को मेरा मोहब्बत भरा और अकीदत भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीब, इसका इनकाद किया गया ताकि सलाम अकीदत पेश किया जा सके शहदाए लंदन को, ताकि सलाम अकीदत पेश किया जा सके मोहम्मद हनीफ शहीद और बशारत हुसैन शहीद को कि उन्होंने अपने इस वतन के लिए, अपने इस वतन की धरती के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। और याद रखिए कि शहदाए लंदन की ये कुर्बानी महज पला के लिए नहीं थी, शहदाए लंदन की ये कुर्बानी महज चकसवारी की अवाम के लिए नहीं थी, शहदाए लंदन की ये कुर्बानी महज हल्का एल दो या जिला मीरपुर के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी कुर्बानी पूरे कश्मीर के लिए थी, बल्कि उनकी कुर्बानी पूरे पाकिस्तान के लिए थी, कश्मीर की अवाम के लिए थी और पाकिस्तान की अवाम के लिए थी। तो मैं कश्मीर की अवाम से ये सवाल करता हूँ कि आखिर कब तक मैं कश्मीर की अवाम के नुमाइंदों से ये सवाल करता हूँ, नुमाइंदगी के झूठे दावेदारों से ये सवाल करता हूँ कि अगर कब तक इन शहीदों को यूं ही बुलाते रहेंगे, कि अगर कब तक इस धरती के लिए अपनी जानों का नजराना देने वालों को यूं ही फरामोश करते रहेंगे। होना तो यह चाहिए था कि आज की ये तकरीब एक सरकारी सतह पे मुनक़िद होती, होना तो यह चाहिए था कि आज की ये तकरीब इस हल्के के ओहदेदारान करते, इस हल्के के नुमाइंदे करते, और होना तो ये चाहिए था कि हमारे शहीदों के तस्करे हमारी कुतुब में होते, ताकि हमारी नई नस्ल को ये पता चलता कि कश्मीर की इस जरखेज धरती के नौजवानों ने कैसे इस धरती के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। मगर अफसोस कि आज हमारी नई नस्ल को राशिद महनाज के किस्से तो याद हैं, हमारी नई नस्ल को कैप्टन सरवर शहीद की शहादत तो याद है, हमारी नई नस्ल को कैप्टन शेर खान की बहादुरी के किस्से तो याद हैं, मगर हमारी नई नस्ल ये नहीं जानती कि मोहम्मद हनीफ शहीद कौन था, बशारत हुसैन शहीद कौन था। हमारी नई नस्ल ये नहीं जानती कि बाबाए कौम मकबूल भट्ट शहीद कौन था। आखिर में मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहूँगा उन तमाम अहबाब को, बिलखसूस आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के अहदेदारान को, कि जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। और आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस बज़म को चार चांद लगाए। और इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कश्मीर की ये धरती बड़ी ज़रखेज़ है, इस धरती ने बड़े ज़रखेज़ नौजवान पैदा किए। अगर हम हिम्मत करें, अगर हम कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हमारी ये कौम एक अजीम कौम बन सकती है, और अजीम कौम बनने के बाद ही हम मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। वस्सलाम। ये थे मोहतरम दानिश अरशद साहब। तो इसके बाद मैं साबिक सदर प्रेस क्लब जनाब काजी जहांगीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं
मेहमानान ग्रामी का मशकूर ममनून हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए। हमारे लिए सब काबिल कदर हैं जो हमारी तकरीब में यहाँ लाए, तशरीफ लाए। तकरीब आज शोदाए लंदन, बिशारत हुसैन शहीद के ब्रदर अकबर यहाँ आज गुलाम मसूर साहब बैठे हुए हैं। वो वाकयात तो खुद ही सुनाएंगे क्योंकि वो घर के आदमी हैं, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन नई जनरेशन के लिए दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हैं कि शोदाए लंदन है क्या, इन्होंने अपनी जान का नजराना क्यों दिया, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इन नौजवानों ने 17 साल की उम्र में जाम शहादत नोश किया, ऐसा क्या वाकया पेश आ गया था। आज नई जनरेशन को इसके बावर कराना ज़रूरी है। इससे कबल मैं एक बात जनाब चीफ गेस्ट साहब आपके ज़ेर गौर करना लाना चाहता हूँ कि 2009 में एक प्रोग्राम हुआ था अल्लाह मगफरत करे साकब मुनीर साहब की, वो चीफ गेस्ट थे, उस वक्त भी हमने यही तहरीक की थी कि इसको सरकारी सतह पर इस बरसी को मनाया जाए। इनकी कुर्बानी आज़ाद, जैसे अजीज़म ने कहा कि ये आज़ाद कश्मीर की कुर्बानी नहीं थी, ये किसी एक फर्द की कुर्बानी नहीं थी। 90,000 पाकिस्तानी अफवाज कैद थी इंडिया के हाथ जेरे। उस वक्त इन्होंने इंडियन एम्बेसी पर हमला किया था, इनके जज्बे थे, लाखों करोड़ों लोग थे, लेकिन 3 नौजवान उठे थे और यंग ब्लड था। 17 साल की उम्र में उनमें जज्बा हुर्रियत पैदा हुआ और नकली पिस्तौलों से वो उन्होंने इंडियन एम्बेसी पर हमला करके पाकिस्तानी फौज को यरगमाली से आज़ाद करवाया। ये पाकिस्तान का मसला नहीं था, ये हुब्बे वतनी का मसला था। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 48 साल हो गए इन शहदा को अपनी शहादत दिए हुए, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान जिसकी फौज के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी और बिलमूमन हुकूमत आजाद कश्मीर इन शोदा के लिए, हम तो ये नहीं कहते इनको सतारा जुर्रत दे दो, हम तो ये नहीं कहते इनको सतारा इम्तियाज दे दो, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इनकी याद तो कम अज कम ताजा करो, इनका दिन तो सरकारी सतह पर मनाओ। जब इनको वहां लंदन से बर्तानिया से यहाँ लाया गया उस वक्त तो आपने प्रोटोकॉल दिया चूंकि आप फंसे हुए थे। आज कहाँ गए आपके जैन, आपके आप कहाँ गए डिक्टेटरशिप आज आपकी, आज क्यों इन दोनों शुदा को भूल गए आप। मैं आपसे ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि आप हुकूमत को तहरीक करें, आप हमारे लिए मोजल मोहतरम मेहमान हैं, नसाब में तो शामिल चले बाद की बात है, वो तो एक पॉलिसी बनती है, उसमें नसाब का एक अलग चैप्टर है, लेकिन कम अज कम ये सरकारी सतह पर 22 फरवरी जो इनकी डेट है वो तो कम अज कम सरकारी सतह पर हो जाए। राजा फारूक हैदर साहब ने अगर मकबूल भट्ट साहब के दिन की मुनासबत से, शहादत की मुनासबत से छुट्टी दी, तो हम इतजाजन ये कहते हैं और इल्तमासन भी ये कहते हैं कि इन शोदाए लंदन के लिए भी सालाना तौर पर यह सरकारी सतह मनाया जाए और उस दिन की छुट्टी होनी चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन को पता चले यह कोई कश्मीर आजाद की आजादी की बात नहीं थी। कश्मीर की तहरीक उस वक्त दबी हुई थी, उस वक्त मकबूजा वादी और आजाद कश्मीर में लोग अमर सुकून से रह रहे थे। सिर्फ इंडिया के उन जवानों में इन नौजवानों ने अपनी ललकारी गैरत को ललकारा और कहा और 24 घंटों के अंदर अंदर एक दफा पूरी दुनिया को हिला दिया कि नकली पिस्तौलों से हमला करने वालों ने पाकिस्तानी फौज को आजाद करवाया। आज मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ स्टेज की वसादत से कि चले कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं ना शहीद की जो मौत है कौम के याद है, हमारे लिए तो इन इलाकों के लिए तो याद है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है शायद उन शोदा। और दूसरा अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि शहीद मुर्दा नहीं होते, उनको मुर्दा मत करार दो, ये जिंदा हैं लेकिन इनको इनकी जिंदगी का तुम्हें शोर नहीं, ये खाते हैं पीते हैं। वो बिशारत शहीद को, अनीफ शहीद को ये जरूरत नहीं कि हम बरसियां मनाएंगे, उनको खराज अकीदत पेश करेंगे, वो जिंदा हैं, हयात हैं, वो अल्लाह के सुरखरू हैं, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो यही फर्ज बनता है। और मैं आखिर में ज्यादा टाइम मेरे ख्याल में ले रहा हूँ, मुझ पर पाबंदी थी कि आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ जाती ख्वाहिशात को पसे पर्दा डालते हुए मैं सुनैन अदरीस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप उसी दर्दी के सपूत हैं जिस दर्दी का बिशारत शहीद सपूत था। आज आपने उस दर्दी का सबूत दे दिया कि आपने कभी शोदा को बुलाया नहीं, आज आपने इस तकरीब का इनकार करके और बिलखसूस में आजाद प्रेस क्लब के हर रुकन और दारान का मशकूर और ममनून हूँ, बसमेत मेरे के जिन्होंने आज बिशारत शहीद और अनीफ शहीद की बरसी का इनकाद पजीर रेस्ट हाउस चकसवारी में किया। बेशुमार शोदा के नाम आए, खत्म हो गए,
एनजीओज बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं यही आखिर में कहना चाहता हूँ, शोदा ना मुर्दा है ना उनको मुर्दा को, उनकी जिंदगियों का तुम्हें शोर नहीं है, वो जिंदा हैं, हयात हैं, खाते हैं, पीते हैं। अल्लाह रसूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बाकी मेहमानान ग्रामी का बहुत शुक्रिया, अजीत आसिफ साहब आप भी तशरीफ लाए, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। आजी मोहम्मद शफीक साहब साबिक उम्मीदवार असेंबली से गुजारिश करूंगा कि वो सामने वाली नशिस्त पर तशरीफ ले आए। खून जमहूर में भीगे हुए परचम लेकर, खून जमहूर में भीगे हुए परचम लेकर मुझसे अफराद की शाही ने वफा मांगी है। सुबह के नूर पे ताजीर लगाने के लिए शब की संगीन से आई ने वफा मांगी है। और चाहा कि मैं काफिलाए आदम को टोकने वाली निगाहों का मददगार बनूं, और चाहा कि मैं काफिलाए आदम को टोकने वाली निगाहों का मददगार बनूं, जिस तसव्वुर से चरागा है सरे ज्यादा ज़िस्त, उस तसव्वुर की ज़ीमत का गुनहगार बनूं। ज़ुल्म परवरदा कवानीन के वानों से बेड़ियां तकती हैं, जंजीर सदा देती है, ताको तादीब से इंसाफ के बुत गोड़ते हैं, मस्त अजल से शमशीर सदा देती है। लेकिन ऐ अजमे इंसान के सुनहरे ख्वाबों, लेकिन ऐ अजमे इंसान के सुनहरे ख्वाबों, मेरा उनवाने इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफादार नहीं। तो जनाब इसके बाद मैं जनाब मुमताज माहिर तालीम जनाब चौधरी आजी तासिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि आज की इस मुनक्ता तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आजी मोहम्मद तासिफ हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एतराब सदर महफल जनाब चौधरी हुसैन अदरीस साहब, सदर आज़ाद प्रेस क्लब चकसुआरी, इज़्ज़त मआब मेहमान खसूसी चौधरी अमजद इकबाल साहब, आजी गराम रसूल साहब, पंडाल में तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एतराम शख्सियात, आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान व अरकान। सबसे पहले तो मैं आज़ाद प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे हीरोज़ के लिए आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए ये एहतमाम किया तकरीब का। बशारत शहीद और मोहम्मद अनीफ वो हीरो हैं हमारे, या पाकिस्तान 2 लाख हुआ, 90,000 से ज़ायद फौज इंडिया के कब्ज़े में थी, और ये जवान नहीं बल्कि अभी नौजवान थे। अल्लाह ताला ने इनसे वो काम लिया, मुमकिन है कि हम हज़ारों शहादतें देते लेकिन इतनी शनवाई ना होती जितनी इन 3 नौजवानों ने बरतानिया में अम्बेसी के अंदर जाकर नकली पिस्तौलों के ज़रिए या वहाँ उनको यरमाल बनाया। तो वो सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज का मसला, इंटरनेशनल मसला बना, और आखिर में हिंदू बनिया। नकली पिस्तौल होने के बावजूद भी उसने इन्हें शहीद कर दिया। मासूम बच्चे थे, नौजवान थे, अगर वो चाहता तो इन्हें वो गिरफ़्तार करके इनकी ज़िंदगी बख सकता था, लेकिन अल्लाह ताला को इनकी शहादत मंजूर थी। वो जहाँ फैसला हो चुका था कि इन्होंने हरती दुनिया तक रहना है। मोहम्मद बिन कासम जब बरसगीर में दाखिल हुआ, बेशुमार उसके बाद लोग आए, लेकिन मोहम्मद बिन कासम को अभी तक कोई नहीं भूला, क्योंकि पहला चिराग उसने जलाया। इसी तरीक़ा से बशारत शहीद और मोहम्मद अनीफ शहीद जो हैं, ये आज़ाद कश्मीर को के उन हीरोज़ में शामिल हैं जिन्होंने
मकबूजा कश्मीर के शहदा की नुमाइंदगी की, आज़ाद कश्मीर के शहदा की नुमाइंदगी की, बरतानिया में जो हमारे रिहाइश पजीर लोग हैं कश्मीरी तारकिन वतन उनकी नुमाइंदगी की, और ना सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि पूरी दुनिया तक इस मैसेज को पहुँचाया कि कश्मीरी एक जिंदा और जावेद कौम है, ये भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। और आज 48 साल गुजर चुके हैं, हर साल एक नहीं बल्कि कई छोटी मोटी तकरीबात होती हैं मीरपुर में होती हैं, लेकिन असल मसला है हमारी बेहिसी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कौमें नीस तो नाबूद हो जाती हैं जो अपने मौसनों को भूल जाती हैं। ये शोदाए लंदन हमारे मौसन हैं, इनको हर बच्चे तक, हर छोटे बड़े तक इनका पैगाम पहुंचना चाहिए, स्कूलों में तकरीब होनी चाहिए, सरकारी सतह पर बाकायदा अखबारात में सप्लीमेंट शाया होने चाहिए कि ये इन्होंने क्यों शहादत दी। ना तो इनका कोई मकान का मसला था, ना कोई और मसला था, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज के लिए दी। और ये एक और मैसेज भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अकेली नहीं है बल्कि आवाम जो है उनके शाना बशाना खड़ी है। इस तरह बाकी मुल्कों में नहीं होता, और सिर्फ ये जिहाद का एक ऐसा जज्बा है, शहादत का ऐसा मकाम है जिसकी वजह से ये मुसलमान इस तरफ चलते जाते हैं और कभी भी नहीं रुकते। अगर मकबूजा कश्मीर की सूरतहाल को देखें तो वहाँ कोई आदमी शुमार नहीं कर सकता वहाँ जितनी शहादतें हुई हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर नौजवान और बूढ़े शहीद ना हों, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी माएँ बहनों और बेटियों की असमत दरी ना की गई हो। लेकिन अभी देख लें कितना अर्सा हुआ वहाँ पर कर्फ्यू है, बैन अवी सतह पर कोई उस तरीके से आवाज़ नहीं उठी। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम किसी में भी जब मुझे मौका मिले मैं कहता हूँ कि ज़रा वो UNO हो गया या दूसरी वो तनजीमें जो अपने आप को बड़ी समझती है कि हम अलम्बरदार हैं लोगों के हकूक़ की, अगर कोई परिंदा कहीं किसी पोल पर किसी तार में फंस जाए, किसी जंगल में फंस जाए, हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं, आया उनको कश्मीरों की शहादतें नज़र नहीं आ रही, आया उनकी बेकसी उनको नज़र नहीं आ रही। ये पूरा हमारा दरियाए जेलम जो है उनके खून की शहादत देता है, और ये पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़मीनें सराब होती हैं वहाँ उनकी शहादत का खतरा पहुँचता है। मैं एक दफ़ा फिर अपने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मेहमान खुसूसी आपका और ख़ासकर आज़ाद प्रेस क्लब के सदर और उनके तमाम अहदेदारान व अरकान का कि उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया, हमारा पैगाम दूर तक ये पहुँचेगा। वमा अलैना इल्ला बिलाह। मैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब राजा शिजात साहब की तकरीब आमद पर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तो इसके बाद मैं जनाब बशारत हुसैन शहीद के बरदर अकबर जनाब आजी गुलाम रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। आजी गुलाम रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायती वाजिब उल एहतराम सदर महफिल आज़ाद प्रेस क्लब के सदर हुसैन अरकान क्लब, मेरे नहायती वाजिब उल एहतराम बुजुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हुसैन अदर का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और प्रेस क्लब के अहदेदारों का, और मैं ये दुआ करता हूँ कि हुसैन आपको अल्लाह इतनी इज़्ज़त दे जितनी बिशारत को मिली। बिशारत शहीद के बारे में आपने कहा कि मैं अगर मैं शुरू करूँ तो मैं हमेशा मुख्तसर ये खूबसूरत तकरीब मुख्तसर तकरीब में आती हूँ, वो एक इतनी कहानी है, बस सब इतनी दुआ करें। मैं भी अल्लाह से ये दुआ करता रहता हूँ कि जो मैंने 1 मार्च 1973 को इस्लामाबाद से पलात तक देखा है मेरे अल्लाह मुझे क़यामत मुझे वो दिखा दे। मैंने कोशिश किया कि 48 साल गुजर गए हैं, मैंने इस कुर्बानी पर कोशिश किया कि दाग ना है। एक बात आपको बता कर दूँ, 10-15 दिन बाद उस वक्त थाना सिटी मीरपुर था, इधर नहीं था थाना, दो कंस्टेबल आए बैठे हुए थे, मैं आया तो उन्होंने कहा कि आपको मीरपुर बुलाया। उस वक्त पुलिस की वजह से थोड़ा खाए पड़ जाते थे, मैं उनके साथ चला गया। जब मीरपुर गया तो मैंने बोला कि मामला क्या है मुझे कदर, नहीं मैं SHO से आर्डर है
कि आप इनको डीसी साहब की दफ्तर अपने रिहाइश पर छोड़ दो, उसने छुट्टी थी। डीसी साहब थे राजा अब्दुल खालिक मरहूम पंजेड़ी वाले, अल्लाह उनके कब्र पर करोड़ रख दो। वो दरबार शरीफ गए हुए थे, जब वापस आए वो पहले भी आए सरदार साहब के साथ जनाजे पर भी आए, वकीयत थी मेरी, तो पानी वगैरह पिलाया, तो मैंने बोला आपने हुक्म दिया है मैं आ गया हूँ, तो कहने लगे कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर आया है कि अगर ये शुजा कुछ माली तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं तो इनकी थोड़ी मदद करो। तो मैंने बोला आप क्या मदद करेंगे, हम आपको एक एक प्लाट देंगे। तो मैंने कहा मैं वालदा साहब से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करता, मैं आज मशवरा करूँगा कल आपको जो, तो वल्ला आसमान के नीचे खड़ा हूँ मैं, रात को आया तो मैंने बोला ये वजह, तो थोड़े जहाँ से पड़े, तो कहने लगे कि कल एक दिन फिर जाओगे, जाओ उनको बोल दो कि जो मैं देता है ना उसके पास कमी है ना वो इनकार हुआ, जिस दिन वो इनकार हुआ उस दिन कोई और दर ढूंढ लेंगे। तो मैं हमने कभी ज़िंदगी इसमें नहीं, मैं अल्लाह ताला से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी बिशारत को शुदा में उठाए। आपकी बहुत मेहरबानी, आप ये जो करते हैं ये नई नस्ल के लिए भी एक मामला है, मेहमान खुसूसी का बहुत मशकूर, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा हाफिज़। इसके बाद मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर चकसवारी चौधरी मोहम्मद अजायब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने खिलात का इजहार करें। नहमदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बलगलला बिकमालही कशफत दूजा बिजमालही असनत जमियो खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि। काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब मुनफरिद हैसियत इसलिए रखती है कि खित्ताए कश्मीर के इन दो शहदा ने आज़ादी की तहरीक में अपना लहू पेश किया। आपने सब ने मोहब्बत परे, अकीदत परे ख्यालात का इजहार किया। बेशक ये दो शुदा जो हैं इन्होंने दाग बेल डाली आज़ादी की, और यूं ये सिलसिला आज मकबूजा वादी में भी चला आ रहा है। हमारा ये खिता और फिर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शुदाए कश्मीर को याद रखा जाता है, और शुदाए मीरपुर को स्पेशली याद रखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, गालबन दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, और जब ये वाक्या पेश हुआ तो जुलूस निकलते थे, जब स्कूल से छुट्टी होती थी, ये दो तीन दिन वाक्यात होते रहे, जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो हम भी कतार बनाकर निकलते थे और नारे लगाते थे, बिशारत अनीफ हमारे भाई, इन पे गोली किसने चलाई। तो मैं छोटा सा था, दूसरी तीसरी में पढ़ता था, मुझे आज भी उसी तरह याद है। एहसास तो नहीं था कि ये क्यों नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला वक्त गुजरने के साथ साथ कि शोता की इन कुर्बानियों की वजह से उनको याद रखा जाता है। मैं इसके साथ ही मैं उस हुसैन अदरी साहब का मशकूर हूँ इस लिहाज से भी कि आपने महकमा तालीम के साथ तआवुन किया और हमारे अदारों और हमारे बच्चों के साथ आप वर्दियों के सिलसिले में, किताबों के सिलसिले में दीगर बेशुमार तआवुन आप करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। प्लस क्लब के दोस्तों का दोस्त बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा। स्टेज सेक्रेटरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी, बहुत मेहरबानी। जी चौधरी मोहम्मद अजायब साहब, जब धरती करवट बदलेगी, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैदी कैद से छूटेंगे, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैदी कैद से छूटेंगे, जब पाप गरौंदे छूटेंगे, जब पाप गरौंदे छूटेंगे, जुल्म के बंधन टूटेंगे, वो सुबह हम ही से आएगी, उस सुबह को हम सब लाएंगे। तो इसके बाद आज की इस तकरीब के रूए रवां मेरे हम सब के मुअज्ज़ज़ मेहमान, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी अमजद इकबाल साहब, डायरेक्टर एस्टेट मैनेजमेंट
मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर स्टेज पर आकर अपने मुतल्लिक ख्यालात का इजहार करें। जनाब चौधरी अमजद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के सदर सवारी के सदर स्नैन अदरीस साहब, स्टेज पे तशरीफ चौधरी गुलाम रसूल साहब, हाजी तासिफ साहब, आज की तकरीब के मुंतजिम राजा गजनपुर साहब, नीचे तशरीफ फरमा तमाम मौजूदीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि जिस तरह राजा गजनपुर साहब को मैंने बताया कि कल से मेरी नई असाइनमेंट भी मुझे मिली अदारा तरक्यात मीरपुर की, डायरेक्टर स्टेट मुझे तैनात किया गया है, तो आज वहाँ थोड़ी पहले मसरूफियत थी तो इसलिए थोड़ा देर से पहुँचूँ, जिस पे मैं तमाम शुरुआत से माजरत चाहता हूँ कि धूप में उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। जैसा कि इस तकरीब के या इस सेमिनार को मनक़द करने का मकसद आप सब पे यहाँ है, तमाम मुकर्ररीन ने उन शुहदा की जो बयान किया है उनके बारे में, मैं समझता हूँ कि ऐसी तकरीबें मनक़द करने से हम आने वाली नस्लों को उस दर्स जिस कुर्बानी का हमें बताते हैं जो उन बच्चों ने उस वक़्त साल 1973 में जब उनकी उम्र 17 साल थी, और आज आप देख लें कि 17 साल के बच्चे जब आप किसी कॉलेज स्कूल के बाहर जाएं तो उनकी क्या पोजीशन होती है, वो किस सोच या फिक्र के हामी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा मुकर्रीन ने कहा, हाजी गुलाम रसूल साहब ने कहा कि जब वो दिन था जब उन्होंने लंदन में अपने जज्बे के तहत, आज आप देखते हैं कि कश्मीर में जब कोई होता है इस तरह का मामला तो पूरी हुकूमत पाकिस्तान पे, उसकी एजेंसियों पे या पूरी दुनिया में इल्ज़ाम लगवाता है भारत के, जी ये मैनेज थे, ये इस तरह की प्लान्ड सरगर्मियां कर रहा है पाकिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक़्त ये जो बच्चे थे इनको किसने कहा, इनको तो किसी ने नहीं ट्रेंड किया था तब कि आप जाएं और इंडियन एम्बेसी पर जाली पस्तौलों से आप जाके इस चीज़ को उजागर करें कि हमारे साथ ज़्यादती कह रहा है इंडिया ने जो बांग्लादेश में की है, जहां हमारी फ़ौज को उसने यरगमाल बनाया, कैदी बना लिया और उनको अपने साथ ले गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानी, ये जज्बे वतन के लिए जब दिलों में हुएँ तो हमें कोई जज्बा, कोई किसी किस्म की ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आप आज भी देख लें कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में ये बात कायम है कि जब वो कुर्बानी देने पे आते हैं तो ये कोई सोच नहीं होती, जिस तरह किसी ने कहा कि किसी सिले के लिए वो कुर्बानी नहीं देते, किसी मादी फ़ायदे के लिए वो कुर्बानी नहीं देते, वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए, अपनी वतन के लिए ये कुर्बानी देते हैं ताकि इस रहती नस्लों तक आने वाले लोगों के लिए एक मशले राह हो। मैं समझता हूँ कि शोदाए लंदन शारत शहीद, अनीफ शहीद और दिलावर गाजी की खिदमात को याद रखना सबसे पहले हमारा फ़र्ज है, जो इस इलाके के अम्बासी हैं, जो उनके प्यारों में से हैं, तो हमें चाहिए कि ये जो तकरीबात मनक़द की जाती हैं इनको हम रेगुलर तरीके से मनाएं, हर साल मनाएं, स्कूलों में मनाएं, चाहे उसके लिए कोई लोकल सतह पे जो भी काविश हो, सरकारी सतह पे लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके की जाए, या असिस्टेंट एजुकेशन अजायब साहब बैठे हुए हैं, इस तरह की मामनत इनसे भी ली जा सकती है कि स्कूलों में कहीं कोई फंक्शन रखा जाए, किसी असम्बली की प्रेयर में उनकी खिदमात का जिक्र किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि हमारे जो नौजवान हैं वो आज नहीं कल नहीं, ये तो उस वक़्त से कुर्बानियां दे रहे हैं जब से ये वतन बना है और आइंदा भी देते रहेंगे। यहाँ कुछ अजीज़ों ने कहा कि उसको सरकारी सतह पे मनाने का या जो भी है, मैं ये समझता हूँ जिस राजी साहब ने कहा कि जब आपको पता है कि बरतानिया में ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान में लाने के लिए कौमी असम्बली में ये करारदाद पास हुई, तो ऐसा कभी यही रिकग्निशन होती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जिक्र किया पाक फ़ौज के शहदा के जो इस वक्त वतन पे कुर्बान हो जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं लेता, आप हमेशा देखते होंगे कि जब कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं कोई तकरीब सरकार की सतह पे मनाई जाती है तो कुछ गुमनाम सिपाहियों का भी नाम लिया जाता है कि जो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर सकते, जो कुर्बानियाँ तो देते हैं, जो शहीद तो होते हैं
लेकिन उनको पीछे नाम बाजार नहीं लिया जाता कि फलां जगह पे इसने ये कुर्बानी दे दी थी, उनको हम गुमनाम सिपाही ही कहते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सतह पे 20 फरवरी को दोनों शहदा के मज़ारात पे एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है, उसमें कोई कमी कोताही तो हो सकती है, उसे हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसमें मैं आज की तकरीब के जो रूए रवा हैं, हाजी गुलाम रसूल साहब, बाकी लोगों से भी मैं कहूँगा, उसमें हमारा भी तावन है कि इसको भी हम बेहतर बना सकते हैं उस दिन की तारीख को। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानियों, जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि प्लाटों के लिए नहीं दी जाती, ना ही किसी फ़ायदे माली के लिए दी जाती है, अल्लाह ताला उनका रहती दुनिया तक और आने वाली ज़िंदगी में भी उनकी कुर्बानी इसी तरह उसका अजर उनको और उनके ख़ानदान को और इस इलाके को मिलता रहे कि ये वतन अब महफूज हाथों में रहे, दुश्मन को इसकी नज़र न लगे और हमारी मसल्ला फौज जो कुर्बानियाँ दे रही हैं इस वतन की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला उनको मज़ीद हौसला और हिम्मत अता करे ताकि हम सुकून की सांस के अंदर अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को परवान चढ़ा सकें। मैं समझता हूँ कि काम काफ़ी वक्त हो चुका है, जिस तरह के सब ने कहा है और धूप भी खासी है, तो मैं आखिर में आज की तकरीब के रूए रवां सदर प्रेस क्लब, आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी, गजलफर राजा साहब, बाकी तमाम मेहमानों का मशकूर हूँ कि उन्होंने जो इज़्ज़त मुझे यहाँ दी है, तो उस पर मैं आप सबका मशकूर हूँ। चौधरी अमजद इकबाल साहब, तो आप यकीन करें कि मेरी जब चौधरी अमजद इकबाल साहब से टेलीफोन पर बात हुई तो इनकी, चूँकि उन्होंने इस चीज़ का इजहार खुद भी किया है कि उनकी